क्योंकि इस तमाम सूरत हाल पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर जब बहुत सारा रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा किसी जलसे से किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा दिल दुखा है और मैंने इसीलिए इस तमाम सूरत हाल को ट्विटर पर अपने ख्याल की नज़र कर दिया तो इमरान भट्ट साहब लोगों ने तो कहा कि यार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ हैं आपकी ट्वीट को लेकर लोगों ने कहा कि जी आप जो है वो सियासी हो गए अल्लाह या भाई जी वालेकुम वैलिकम देखिए या, या भाई पहली बात तो ये है कि लोगों को मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि स्पोर्ट्स मैन जितने भी होते हैं उनके किसी जमात से कोई तल्लु नहीं होता और उनकी जमात जो है वो सिर्फ उनकी स्पोर्ट्स होती है और हमेशा स्पोर्ट्स मैन जब भी बोलेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेगा और मैंने आ, सिर्फ यही बात जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी थी और ये लोगों को बताया था कि एज ए हॉकी प्लेयर बड़ा अफसोस हुआ है और ये चीज़ ये ग्राउंड जो है ये खेलने तक महदूद रहनी चाहिए और यहाँ पर सिर्फ प्लेयर्स की हुकूमत होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स प्लेयर्स आके खेले लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि उसको नेगेटिविटी की तरफ क्यों लेके चले गए उसके बाद मैंने दोबारा बात इसीलिए क्लियर की क्योंकि लोगों को क्लियर करनी पड़ती है बात कि मेरा किसी जमात से पीएमएल ने भी इसमें जलसा किया हॉकी स्टेडियम में तो वह नहीं होना चाहिए था उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए था और अगर पीटीआई ये करने जा रही है अफसोस इस चीज का है कि चले पीएमएल नून ने पहले किया नॉन टेक्निकल थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदे नहीं थे तो उन्होंने जलसा किया और उस बात पे भी इशू क्रिएट होना चाहिए था अगर एक स्पोर्ट्स मैन जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चैम्पियन कप्तान है इमरान खान वो कैप्टन है पाकिस्तान का एक स्पोर्ट्स मैन है उसको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ लगती है तो दोबारा वो कितनी मुश्किल से लगती है मुझे अच्छी तरह याद है कि दो हज़ार बारह में जब हम लोग लंडन ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे उससे पहले ग्रीन ऑस्ट्रो ट्रफ थी और जब दो हज़ार ग्यारह जो दो हज़ार दस के बाद ग्यारह के मिड में जब ये ऑस्ट्रो ट्रफ लगने को जा रही थी तो कम से कम सात से आठ महीने लगे थे इसको क्लियर होने में एक टेंडर पास होने में एक एक क्राइटेरिया है उस तरीके से उस ट्रफ़ को इंस्टॉल करने में फिर बेस पे काम हुआ था ये कोई आसान काम नहीं है कि आज ट्रफ़ को उखाड़ा और ट्रफ़ जो है वो कल जो है दो महीने बाद ट्रफ़ नहीं लग जाएगी पहले तो स्पोर्ट्स बोर्ड को ये बताना चाहिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को या ये जिन्होंने ये काम किया ये बताएं कि ऑस्ट्रो ट्रफ़ जो है वो क्या टेंडर पास हो चुका है क्या वो अप्रूव हो चुकी है अगर तो वो अप्रूव हो चुकी हुई है तो फिर तो ठीक है आपने ट्रफ़ को खाड़ दिया लेकिन अगर प्रूव नहीं हुई हुई तो फिर ये दोबारा ट्रफ़ को आप पैचेस में कैसे जोड़ेंगे